आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अभिमंत्री की इस YouTube चैनल पे आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है ना कि ये कौन सा सीरीज है हमारा? ये है हमारा सिलेक्शन सीरीज। ये हमारा कौन सा सीरीज है भाई? तो ये सीरीज है हमारा सिलेक्शन सीरीज। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? तो इसमें हम लोग करते हैं कम समय में काम की बात। तो आज मैं इतना प्यारा टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, जहां से आपके पेपर में पूछे जाते हैं सवाल, जहां से आपके पेपर में पूछे जाते हैं सवाल। और वो टॉपिक तो आपका है इकोनॉमी का, लेकिन वो टॉपिक आसानी से आप इस क्लास में समझ सकते हैं। और वो टॉपिक कौन सा भाई? फाइव ईयर प्लान। कौन सा भाई? पंचवर्षीय योजना। अब तो नहीं है, क्योंकि सरकार बदल गई। तो सरकार बदल गई तो सरकार का काम करने का तरीका, सरकार की योजना के नाम के तरीके सब बदल गए। लेकिन यहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है। अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आई हमारे देश में? टोटल 12। ये शुरू कब से हुआ? ये शुरू हुआ 1951 से, 1951 से योजना आयोग के बनने के बाद। ये आपके चलना कब था? कब तक था भाई? 2017 तक। लेकिन बीच में ही सरकार आपकी परिवर्तित हो गई, उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना के ऊपर विराम लगा दिया गया। अब पंचवर्षीय योजना क्या है? सवाल कैसे पूछे जाते हैं? कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से साल के दौरान चली थी? उस समय कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ मॉडल हैं, उसके सवाल पूछे जाते हैं। या ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्देश्य क्या थे। तो ये बहुत प्यारी क्लास है। इसको मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, और लास्ट में जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका समय बचे उसके लिए मैंने ये छोटा सा काम पहले ही कर दिया है। तो देखो, जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका समय काल 1951 से लेकर के 1956 तक। जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका समय काल 1951 से लेकर के 1956 तक। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल पे डिजाइन किया गया था? तो मॉडल पूछे तो हेराल्ड डॉमर मॉडल। कौन सा मॉडल था भाई? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल। हेराल्ड डॉमर मॉडल पे पंचवर्षीय योजना आधारित। तो ये पंचवर्षीय योजना जो थी, इसके पहले पंचवर्षीय योजना का, क्योंकि देश हमारा नया नया स्वतंत्र हुआ था, देश हमारा नया नया स्वतंत्र हुआ था, तो हमने एग्रीकल्चर जो हमारा महत्वपूर्ण एक तरीके से रीढ़ माना जाता है उसके ऊपर हमने काम किया। यानी सरकार की पूरा का पूरा जो फोकस है 1951 से 56 के दौरान एग्रीकल्चर के ऊपर रहा कि एग्रीकल्चर से हमें कमाना है, एग्रीकल्चर को ही हमें डेवलप करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड आपके फाइव ईयर प्लान। तो जब दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक लगातार चलेगी ना, लगातार चलेगी। इसके लिए जो मॉडल था वो मॉडल कौन सा था भाई? महान नोबिस मॉडल। भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीवाद माने जाते हैं प्रशांत चंद्र महान नोबिस। तो उनके आपके मॉडल पे ये सेकेंड फाइव ईयर प्लान को आपके तैयार किया गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? महानोबिस मॉडल। एग्रीकल्चर के बाद अब भारत ने क्या सोचा कि भाई अब हमें इंडस्ट्री को डेवलप करना है। यानी हमारा क्या फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? उद्योग के ऊपर होना चाहिए। तो दूसरे वाले मॉडल में हमने उद्योग को फोकस किया। अब आ गया तीसरा वाला मॉडल, बैक टू बैक थर्ड फाइव ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। जब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो 1961 से लेकर के 1966 तक, 1961 से लेकर के 1966 तक, ये आपकी थर्ड फाइव ईयर प्लान। और जरूरी नहीं कि सब में मॉडल याद करना है, जहां पे मैं आपको मॉडल याद कराऊंगा वहां पे मॉडल याद करना है, जहां पे नहीं कराऊंगा छोड़ देना है और ना उसके बारे में सोचना है, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए जो एनएफ है वही मैं कराऊंगा। अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है कि अब हमारी इकोनॉमी को क्या बनाना भी? आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट। कब तक हम किसी से मदद लेते रहेंगे? 1966 तक चला। लेकिन इस 1966 के दौरान आपको पता है कि क्या स्थिति हुई? भारत पाकिस्तान युद्ध,
भारत चीन युद्ध और भारत में बड़े लेवल पे सूखा की स्थिति हो गई, जिसके कारण हम आगे अपने 5 साल की योजना को कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसका मतलब कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था, जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, वो कंटिन्यू चला, लेकिन इसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इसके बाद कैसे चलेगा इस स्थिति में, तो हमने अपने आप को संभाला और हमने 3 आपके ईयरली प्लान, एक एक साल की, 1966 से 1967 और 1968 से 1969, हमने ये आपके प्रॉपर तरीके से 3 ईयरली प्लान हमने स्टार्ट किए। और इसलिए 3 पंचवर्षीय योजना के बाद जो हमने ब्रेक दिया, उसी ब्रेक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान होलीडे। तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला योजना अवकाश था वो कब था, तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद क्यों था, तो स्थिति खराब है उसके कारण। और इसी दौरान भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, जिसके भारत में जनक माने जाते एम एस स्वामीनाथन और वैश्विक स्तर पर माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, 1969 के बाद फिर से हमारी स्थिति ठीक हुई। तो अब ब्रेक के बाद, यानी ब्रेक हमारा कब से कब तक है, ब्रेक हमारा था 1966 से 1969 तक। फिर उसके बाद हमने चौथी पंचवर्षीय योजना हमने शुरू करी, आपने बोले कि ठीक है 1969 से 1974 तक। अब इसके लिए जो मॉडल था वो था डीआर गाडगिल मॉडल। तो पहले में हेराल्ड गॉमर मॉडल, सेकेंड में महानोबिस मॉडल और चौथे में आपके डीआर गाडगिल मॉडल। तो ये जो मॉडल था डीआर गाडगिल मॉडल, इस पे आपके 4th 5-year प्लान, और इसमें क्या बोला गया कि डेवलपमेंट भी हमें करना है और डेवलपमेंट के साथ साथ हमें सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनने के कदम भी आपको बढ़ाना है। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना बैक टू बैक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1974 से 1978 तक चली, नो प्रॉब्लम। अब फोकस किसके ऊपर आ गया कि हमें गरीबी को खत्म करना है, और इस दौरान नारा क्या लगाया था, गरीबी गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था और सेल्फ डिपेंडेंट और ये वाला लगा रहेगा। लेकिन 1978 में आप लोगों को पता है कि जनता पार्टी की सरकार बनी, किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार बनी 1978 से 1980। तो अभी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, एक मॉडल है, मॉडल गुनार मिर्डल मॉडल। तो गुनार मिर्डल के द्वारा अपनी किताब एशियन ड्रामा, अपनी बुक एशियन ड्रामा में इसका यूज किया गया, रोलिंग प्लान का। तो ये जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2 साल ये रोलिंग प्लान, इसका मतलब क्या है कि फिर से यहां पे आपको 2 साल ब्रेक दिखाई देता है, 1978 से 1979 और 1979 से 1980, यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद ब्रेक और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद ब्रेक। तो यानी देखो भाई, तो पहली पंचवर्षीय योजना ठीक चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना ठीक चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना ठीक चली, लेकिन इसके बाद ब्रेक आपको दिखाई देता है। तो कब से कब तक दिखाई देता है, तो 1966 से 1969। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना ठीक चली, पांचवी पंचवर्षीय योजना ठीक चली, फिर इसके बाद क्या दिखाई देता है, ब्रेक दिखाई देता है। कब से कब तक, तो 1978 से लेकर के 1980 तक यह ब्रेक दिखाई देता है। आपने बोला कि जी सर, यह भी बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि अब छठी पंचवर्षीय योजना ठीक चली 1980 से 1985 तक, और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि गरीबी को खत्म करना है, गरीबी खत्म करना है और जो आपके रोजगार है उसके अवसर आपको बढ़ाने हैं। यह भी सही है, 1980 से 1985। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, सातवीं पंच, एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के मन में आएगा कि सर ये तो 1974 से 1979 होना चाहिए, लेकिन 1978 में कांग्रेस की सरकार गिर गई, 1978 में आपकी किसकी सरकार बनी थी भाई, तो आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो 5 साल की ना होकर के 4 साल की थी, तो ये भी एक स्पेशल बात आपको याद करना है भाई। अब आगे सातवां पंचवर्षीय योजना लगातार चलेगा 1985 से 1990, ये भी कौन था भाई, आपके डब्ल्यू मिन्नार मिर्डल के आधार पर आधारित था भाई। आपने बोला कि चलो ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, भोजन के ऊपर, काम के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर आपके फोकस किया गया। लेकिन आप लोग फिर से ध्यान दो कि 1990 के बाद, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना चली वो भी ठीक है, सातवीं यानी 80 से 85 चली, फिर 85 से 90 चली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर से आपको क्या दिखाई देता है,
तो फिर से आपको ब्रेक दिखाई देता है 1990 से 1992। इसी के दौरान आर्थिक सुधार के तौर पे भारत में एलपीजी का कॉन्सेप्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, जो मनमोहन सिंह का सबसे बेहतरीन प्रयास माना जाता है। 1992 के बाद कुछ दिक्कत नहीं है भाई, चलेगा। 1992 के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना चलेगी भाई, आठवीं पंचवर्षीय योजना चलेगी भाई, तो चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लगातार चलेगा 1992 से 1997, जिसमें मानव संसाधन विकास के ऊपर फोकस किया गया, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया कि मानव का विकास करना है ताकि सबका विकास हो। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसमें भी आपकी उसी तरीके की पहली की बातों को लेकर के चले गए, संतुलित विकास की बात। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसमें बोला गया कि गरीबी खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करना है और प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 साल में 2 गुना कर देना है भाई। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और जैसे ही 12वीं पंचवर्षीय योजना आई तो इस दौरान 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, और बीजेपी ने क्या किया तो योजना आयोग को खत्म करके कैबिनेट के रिकमेंडेशन से 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पे किसका बना दिया तो नीति आयोग बना दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग बना दिया और पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया। तो हमने अपनी इस क्लास में क्या देखा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक थी, एग्रीकल्चर को फोकस किया गया। दूसरी 56 से लेकर के 61 तक थी, इंडस्ट्री को फोकस किया गया। 61 से लेकर के 66 तक थी, ये आपके किसके फोकस किया गया भी? तो दोनों को साथ में ले चलने का प्रयास था। आपने बोले कि चलो ठीक है, ये ब्रेक दिया गया और इसमें आपके क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था और स्थिति क्यों उत्पन्न हुई थी तो भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, भारत चीन युद्ध के कारण। फिर 1969 से लेकर के 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, फिर 1974 से लेकर के 1978 तक ये 4 साल की योजना थी, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की, कांग्रेस की सरकार गिर गई। 1978 से 1980 ये रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट आया, क्यों? क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आपकी बनी। फिर 2 साल के बाद अब शुरू हो गया पांचवी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985, फिर 1985 से लेकर के 1990 सातवीं, लेकिन फिर उसके बाद ये आर्थिक संकट का दौर आ गया और इससे उभरने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का हमने कॉन्सेप्ट लिया। और उसके बाद फिर से आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 2007 तक, फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना 1999 से लेकर के कितना हो गया भाई, तो 2000 कौन सा हो गया भाई, एक बार देख लीजिए, 1992 से लेकर के 1997, माफ कीजिएगा, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, दसवीं पंचवर्षीय योजना आपकी कौन से 2002 से 2007, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और बारहवीं पंचवर्षीय योजना लगातार 2012 से 2017। लेकिन इसी बीच में सरकार आपकी पलटी और पूरे तरीके से आपका व्यवस्था खत्म कर दिया गया और अब नीति आयोग ने जगह ले लिया। तो अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है होमवर्क बताना है कि योजना अवकाश भी छोड़ दो, हटा दो, आप लोग बताइएगा कि भाई रोलिंग प्लान के अंतर्गत अवकाश के बारे में बात करें तो उसके अंतर्गत अवकाश का काल बता दीजिएगा कि किस समय में रोलिंग प्लान के अंतर्गत आपके योजना अवकाश दिया गया था, यह पहली बात। दूसरा प्रश्न यह बताना है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका मॉडल क्या था, उसका मॉडल का नाम आपको बताना है, तो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सारे लोगों का होमवर्क का आंसर कमेंट करना अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।